हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 पैकेट मैगी। ये 10 वाली मैगी है, अब तो 10 की नहीं आती। और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसको हम गर्म पानी में बॉईल कर लेंगे। ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना है, बस हमें इसे सॉफ्ट करना है। और ये सॉफ्ट कर लेंगे हम इसको अच्छे से। ये देखिए, हमारा मैगी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को। अब हम आइए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। मैंने यहाँ ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उसको बारीक चॉप कर लिया है। और 2 मैंने कटी हरी मिर्च ले ली है और धनिया पत्ता ले लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया ग्रेटेड लहसुन और हाफ कटोरी मैं यहाँ पे बेसन यूज कर रही हूँ। और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है रेड चिली पाउडर, और हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पे धनिया पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें जो मैगी बॉयल किया था उसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर और फिर हमें इसमें डालेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें गर्म डालेंगे तो ये ज़्यादा मैशी हो जाएगा और बिल्कुल आटे जैसा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ठंडा करके डालेंगे। और इसमें डाल लिया मैंने हाफ टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने मैगी मसाला के एक ही सैसे डाला है। और इस तरह से हम इसको पकौड़े की शेप में लेकर और बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पकौड़े की तरह तल लेंगे। और इस समय सर्दियाँ बहुत चल रही है, सर्दी बहुत है, तो आप इसको ज़रूर बनाइए और खाइए। मैगी तो वैसे भी सर्दियों में बहुत ही फेवरेट होता है लोगों का, तो क्यों ना हम पकौड़े बनाकर भी खाएं। और इसको चाय के साथ आप एक बार सर्व करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है टी टाइम में स्नैक्स या फिर मॉर्निंग में भी। इस तरह से हम सारे पकौड़े को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा कलर कितना अच्छा आया है मैगी का। ये हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और बस ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है और बहुत ही करारा बना था ये। इस तरह से हम इसको टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा तेल ऑब्जर्व कर लेगा। इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा पकौड़ा तैयार है, मैगी के पकौड़े, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी। आप इसको ग्रीन चटनी, रेड सॉस, मैंने यहाँ पे रेड सॉस के साथ सर्व किया है। और ये मिर्ची हमने तेल में ही फ्राई कर ली थी। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।